वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फिटनेस टिप्स में। तो जो आज आपकी हमारी वीडियो, आज भागदौड़ वाली ज़िंदगी में सबको अपनी फिटनेस बहुत प्यारी होती है और इसके समय हमें निकालते हुए टाइम नहीं मिलता है और अपने हम कामों में बिजी होते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर बिगड़ जाता है और हमारी फिटनेस लुकिंग भी अच्छी नहीं होती है। फिटनेस के कारण हमारे शरीर की लुकिंग बहुत अच्छी होती है, मसल्स होना तो ये हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हर किसी की मसल्स हों, अच्छी बॉडी हो। तो इसको मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके रिलेटेड, और आम लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपनी मसल्स कैसे बना सकते हैं और घर पर बिना कोई होम जिम इक्विपमेंट के, बिना आप अपने घर पर कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं, और आपको ये हमारे जो हम बताने जा रहे हैं आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, और उसके बाद चलो आपको आज के स्टार्ट हम करते हैं। चीज़ है सबसे पहली जो आसान है और सब आप जानते भी होंगे, वो है पुशअप्स। जिसके हाँ जी हाँ, पुशअप्स, हम पुशअप्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमारे शरीर में शरीर के मतलब पूरे आप पुशअप्स ही करें, वही हमारे पूरे शरीर को मेंटेन करने में बहुत सहायक होती हैं। इससे मसल्स पे जोर पड़ता है और मसल्स हमारे पूरे मसल्स बनती हैं और यहाँ पर हमारे टूरे निकलते हैं। तो ये पुशअप्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, छाती के लिए, आपके चेस्ट के लिए। तो आप कई तरह की पुशअप्स करते हैं, सिंपल पुशअप्स, फिर उसके बाद आप आ सकते हैं, आप डंबल की जगह आप ईंट ले सकते हैं, दो ईंटों को उठा सकते हैं, जिससे आपकी मसल्स स्ट्रेच होंगी और इससे आपका फ़ायदा रहेगा और आपकी मसल्स रिलैक्स होंगे। और डंबल की जगह आप ईंट ले सकते हैं, धीमे धीमे आप ईंट से कर सकते हैं डंबल की जगह, आपको ज़्यादा वजन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल वर्कआउट करना है घर पर कम से कम, ये आपको 30 मिनट निकाल के सुबह या शाम आपको करना है अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए। और आपको मेहनत बिल्कुल करनी है, 30 मिनट दे रहे हो आप, 30 मिनट आपको पूरा तरह से आपको 30 मिनट। और जो नेक्स्ट बात है मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है पानी। हाँ जी हाँ, आपको जिम करते समय पानी की आपको, जैसे आप वर्कआउट कर रहे हैं उस समय पे, तो उस वर्कआउट के समय पे आपको पानी नहीं पीना है। पानी आप उसके बाद पी सकते हैं जितना भी हो सके, पर वर्कआउट करने से पहले या थोड़ी देर पहले इतना पानी नहीं पीना, कम से कम 5 मिनट पहले आपको वर्कआउट करना है, आधे घंटे बाद आपको खाना पानी पीना है, और उसके बाद पानी आपको जितना हो सके आप उतना पानी पीजिए। पानी आपके शरीर के लिए वैसे भी अच्छा रहेगा, बाद में पी सकते हैं आप, उतना आपको पसीना निकलेगा, स्वेटिंग होगी। और उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं जो पूरे आपके टेक्सचर को पूरे हार्ड कर देता है पूरे बॉडी के को, जो है प्लैंक। जी प्लैंक, हाँ प्लैंक आप अपने कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपको प्लैंक करनी है। कम से कम आप पहले अपना बैलेंस बनाइए, जितने सेकंड आप कर सकते हैं, जितने टाइम कर सकते हैं, प्लैंक को अपने स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो प्लैंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, के पूरे शरीर के लिए अच्छी रहेगी, और इससे आपके शरीर में पूरा शरीर जितना कोर है आपका, जो लोग मोटे हैं उनका फैट यहाँ से डाउन होगा। और उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं, आगे जो आपके पेट के लिए अच्छी रहेगी आपको मसल्स, और यहाँ पर एब्स पर ध्यान देना, जो पेट पर रहेगा फैट उससे आप, अगर ये आपका अच्छा हो जाएगा तो आप अपने आपको ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सिंपल आपको दिखने में अच्छे लगेंगे। जो है अब हम बता रहे हैं आपको एप्स के बारे में, जो है एप्स आपको क्रंचेस करनी है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद क्रंचेस करने के बाद आप ये क्रंचेस को कई तरीके से, तो आप क्रंचेस कई तरह के कर सकते हैं। इस क्रंचेस में आप एडवांस क्रंचेस कर सकते हैं, नॉर्मल क्रंचेस कर सकते हैं, आप अपने फर्श पर लेट कर आपको ये क्रंचेस करनी है, और आपको रनिंग में एथलीट में क्रंचेस करनी है, कई तरह से आप क्रंचेस कर सकते हैं। ये आपके मतलब एप्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी, और आपको बिल्कुल भी अपने ढंग से, अपने जितने भी आपको दिन वर्कआउट करना है, आपने पूरे दिल लगाकर करना है, दिमाग लगाकर करना है, मन से करना है, और आपको एक दिन जरूर इसका असर मिलेगा। आप एक महीने के अंदर ही आप इसका असर देखने लगोगे, आपके पूरे बॉडी से फैट घटने लगेगा और आपके मसल्स उभर कर आने लगेंगे। तो आपको किसी के बारे में भी सोचना नहीं है, और आपको अपनी मेहनत करते रहना लगातार, और रुकना नहीं है, आपको बीच में भी एक दिन का भी गैप नहीं लेना है, और आपको और अपनी नींद भी बहुत अच्छी लेनी है। तो नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है अपने बॉडी मेंटेनेंस करने के लिए, तो बॉडी रिपेयर होती है नींद के समय। और अपना कभी भी कॉन्फिडेंट लूज नहीं करना है आपको, आपको लगातार मेहनत करते रहनी है, और आप एक दिन जरूर आप अपने मकसद में कामयाब होंगे अगर आप मेहनत लगातार करते हो। तो मेहनत आपको लगातार करनी है, मैं आपसे यही बात कहूँगा कि, और आपको किसी से भी घबराना नहीं है, किसी के बारे में नहीं सोचना कि कौन क्या कहेगा, आपको इनके बारे में नहीं सोचना बिल्कुल भी, लोग तो कहते रहेंगे, तो आपको अपनी मेहनत करना है। तो इसी के साथ ये हमारी पहली वीडियो है, और आपको कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताना, और ये हमारी पहली वीडियो सोच हमारी तरफ से, हम आपको 100% देने की सोचेंगे। और जो वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें लाइक करें और शेयर करें, और आगे के लिए आप बताएं हमें आपको कैसी वीडियो देते रहेंगे, और लगातार हम आपको वीडियो डे बाई डे प्रोवाइड करते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।